और उस घनत्व आकाश में डोल, उसका परिभ्रमण कर जिससे तू आया है और जहाँ से तू आया है। तू अपनी ऊर्जा को पहचान और उसी ऊर्जा में मिल जिस ऊर्जा से तू निकला है। ऐसे ही ध्यान करना है, ऐसे ही, और ये जाप करना है। जाप में अगर आप मन पे बोल पाओ तो जय शनिदेव बोलना है, ठीक है। ये आपका 2 दिन का लास्ट चल रहा है, उसके बाद मैं न्यास आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और आपको अपने गुरु का चेहरा याद करना है, ठीक है, बीच बीच में उससे, और प्रार्थना करनी है, गुरुवर हम आपकी शरण में हैं, हमें वो प्रदान कीजिए जो हमारे लिए बेहतर है। शनिदेव महाराज अपने आप आपको पूर्ण विद्या प्रदान करेंगे, फिर आप वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके मैं न्यास और हवन आपको सिखला दूंगा, ठीक है। फिर आप लोग किसी अन्य का जाप भी कर पाएंगे, और अगर आपको थोड़ा बहुत रह भी जाएगा अपना, तो उसको भी आप खुद ही निकाल लेंगे, क्योंकि अब आपको दुनिया की बेहतर साधनाओं में आपको रिवार्ड मिलेगा बकायदा। कोई भी महात्मा आज तक यही नहीं समझा पाया कि मन टू मन अगर साधना करें, तो मन की 2 परतों पर अगर साधना करें तो क्या होगा। एक आपका आसन सिद्ध होगा, दूसरा आपका स्व आसन सिद्ध होगा, तीसरा आपको मन ही मन जाप करने को मिलेगा, चौथा आपका चक्षु जप होगा, ठीक है। चक्षु जप इसको बोलते हैं, या तो ध्यान यहाँ हो या अपने गुरु को ध्यान कर रहे हो, इसी को चक्षु जप बोलते हैं, ठीक है ना। आप जप कर रहे हैं, मन पे जप कर रहे हैं, मन पे जप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप इन सबसे ऊपर जाओगे तो आगे तर जाओगे, पार हो जाओगे, ठीक है कि नहीं। फिर अपने घर पर इसी तरह से साधना करते रहना इन्हीं 4 मंत्रों की, इसी तरह से कि आप अपने घर पे जब चाहे बोल के करें, जब चलते फिरते रहे, जब आसन पे बैठने को मिले, या फिर जब भीड़ में रहे तो उपांशु और मानसिक करें, और जब भीड़ को छोड़ दें एकांत में आए तो मानसिक करें, ये आपका मिलना है। और जब रात को सोए तो स्वयं साधना करें, अपनी ही साधना करें, तब अपने को ही आदेश दें, अपने मन को आदेश दें, वही आपका अपना है, उसका विशुद्ध रूप होते ही आपको आत्मदर्शन मिल जाती है, और आपको कुछ ना कुछ तेज आपका बढ़ता रहता है। बार बार आपको वाइब्रेशन आएंगी, अच्छी और सच्ची बातों पे भी आपको वाइब्रेशन आएंगी, भगवान की बातों पे भी आपको वाइब्रेशन आएंगी, किसी का सत्संग सुनोगे तो भी वाइब्रेशन आएगी, इससे आपका जो आत्मा है वो ऊपर उठ जाएगा, आपको परमात्मा दर्शन होता रहेगा। फिर अगर 21 दिन की साधना में आना चाहो तब आप आना, उसमें आपको नाद साधना सिखाई जाएगी, ईश्वर से कैसे अनुभूत हो जाए, ईश्वर की कैसे भक्ति की जाए, ईश्वर से कैसे अपनी ऊर्जाओं का रूपांतरण किया जाए, और अपने विचार कैसे ईश्वर तक पहुंचाई जाए कि हमें आपके दर्शन की आवश्यकता है, उससे बात कैसे की जाए, वो सब आपको उस मौन साधना में सिखाया जाएगा। बोलिए जय शंकर।